अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियो शेयर कर लेता हूँ बुक्स के बारे में। अक्सर बता लेता हूँ किसी को ये बुक चाहिए तो मुझे पर्सनली आके मैसेज कर ले। तो सबसे पहली बात कि जब आप बुक को, जिस तरह मैंने कहा, तो मैं दो तीन लोगों को सेंड कर दिया। स्टिल फिर लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे बुक चाहिए और लोग, तो ये एक मुश्किल प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मैं हर एक को इंडिविजुअली जाके एक एक बुक सेंड कर लूँ, फिर उससे ई मेल मांगू। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे यार बुक चाहिए, तो जब मैं उसे कहता हूँ कि ईमेल दे दे, वो मुझे ईमेल सेंड कर देता है, फिर मैं उसको बुक फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर उसका एक कंफर्मेशन होती है कि क्या आपको आपकी बुक मिल गई कि नहीं। क्योंकि बाद में आपको पता है कि एक गिल्ट सा होता है कि यार इसने मुझे मैसेज किया लेकिन अभी तक मैंने इसको ये बुक प्रोवाइड नहीं किया। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये बुक्स, ये चूंकि एक बुक नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट बुक्स है मेरे पास, उस बुक्स को मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक पे क्लिक करना होगा, वहां पे गूगल ड्राइव पे जाएंगे और वहां से आप अपने बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज कि जो बुक्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो पिक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर कर ले या ये वीडियो शेयर कर ले। उसकी मैं कोई चिंता रहा हूँ कि जब भी आप मार्केट की एनालिसिस करते हैं, तो जब एक आदमी अकेले एनालिसिस करता है तो वो इतना एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर सकता जब तक ग्रुप में लोग ना हो। अब जैसे कि एक मार्केट जिस तरह सोल्व किया भी 39 में मार्केट, जिस तरह मैंने सोल्व के बारे में कहा था, मैंने 31 में बाई किया था, 39 में मैंने सेल कर दिया, सही 39.35 तक गया था। अब चूंकि दोबारा तकरीबन ये एक वीक पहले की बात है, अब दोबारा मैंने बाई की, अब भी अलहमदुल्ला उसमें मार्केट से आउट हो गया। अब कहने का जो मकसद था कि जब आप अकेले एनालिसिस करते हो तो आप उतना एक्यूरेट आंसर नहीं निकालते, उस एनालिसिस से इतना एक्यूरेसी आप नहीं निकाल सकते। एक्यूरेसी तब ज्यादा होगी कि जब आपके एनालिसिस का जो एक्सपर्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। अब देखिए ना, आप जब बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में डिफरेंट कैंडल्स है, डिफरेंट डायग्राम्स बन रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं कि इस एंगल के साथ अगर मार्केट आएगी तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। वो प्रीवियस एंगल्स को लाके वो आपको बता रहा है कि ये प्रीवियस पास्ट में बना था, उस बनने के बाद मार्केट किस साइड पे आई थी, वो सब कुछ आपको वो बता देता है। अब अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसकी मैं आपको इसे बता देता हूँ। एक तो आप एक ग्रुप में एनालिसिस कर सकेंगे, एक बुक अगर एक आदमी रीड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। अब जब ग्रुप में आप दो तीन लोग उस बुक को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो किसी ना किसी को कोई स्पेसिफिक चीजें याद हो जाएगी, फिर जब आप ग्रुप में बैठ के उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो आज से मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझे मेंशन कर दे या मुझे आप ईमेल सेंड कर दे। हाँ, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं क्रिप्टो बुक्स के नाम पे उसका एक लिंक नाम लिख कर और साथ में वो लिंक ऐड कर लूंगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ड्राइव गूगल ड्राइव पे जाएंगे, वहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपने और मैंने आपको ओपन एक्सेस दिया हुआ है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो मार्केट की सिचुएशन है अब स्टेबल, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली स्टेबल, लेकिन अभी तक मैं खुद 100% श्योर ना हूँ कि मार्केट अब यहाँ स्टेबल हो गई, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद 100% श्योर ना हो जाऊँ कि अब मार्केट स्टेबल है। और दूसरी बात यह कि आपने खुद भी थोड़ा बहुत बुक को जब आप एनालाइज करते हैं तो कोशिश किया करें कि कमेंट्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप अपनी जो आप एनालाइज करते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आ जाता है उसको ज़रा शेयर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कैसी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये लाजमी हमारे साथ शेयर करें। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप किसी भी दोस्त के साथ बुक शेयर कर सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टूल्स या जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स है ऑलरेडी, जो बुक्स है इसमें कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स है जो कि एक मुश्किल तरीके से आप समझेंगे। एक दूसरी चीज़ मेरे पास इन ग्राफ्स की अलहदे भी पिक्चर्स है, वो भी मैं ड्राइव पर अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। साथ में जो और इम्पोर्टेंट बुक्स होंगे तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन आपने देखना ज़रूर है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है।